ताजनगरी में कोरोना वायरस का संक्रमण अब आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। आगरा में कोरोना संक्रमित मरीजों का मिलना जारी है। आज भी 13 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। नए संक्रमितों के आने से अब आगरा में कुल संक्रमितों की संख्या 653 हो गई है। इन नए मरीजों में 7 संक्रमित हॉटस्पॉट एरिया से हैं, जिनमें 4 की रैंडम सैंपलिंग हुई थी, वहीं 6 आइसोलेशन वार्ड से हैं। वहीं प्रशासन का दावा है कि अब तक कुल 241 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, इनमें 16 की मौत हो चुकी है। इससे पहले मंगलवार को कोरोना के 19 नए मरीज मिले थे। इन मरीजों में ज्यादातर वो हैं जो खुद ही जांच करने के लिए पहुंचते थे। आज टोटल 13 और केस आए हैं, अतः जनपद की फिगर हमारी टोटल जो है 253 हुई है। उसमें से कल तक हमारे 241 डिस्चार्ज हो गए हैं। आज और जो कल डिस्चार्ज हुए थे उनका सैंपल लिया गया है और उनकी जब सेकेंड फर्स्ट निगेटिव आ गई है उसमें से 28 लोगों का जो कि आज डिस्चार्ज होंगे। अगर आप आंकड़े की बात करें, विगत हमारे जितने पेंडिंग सैंपल्स थे अप टू डेट हो गया है। हमारा कल जो सैंपल्स लिए गए हैं उससे पहले के अब कोई सैंपल्स पेंडिंग नहीं है। जो हॉटस्पॉट क्षेत्र है, अभी आज भी जो केस निकल के आया, 13 के 13 केस हमारे हॉटस्पॉट क्षेत्र के हैं। एक अच्छी बात है, नए हॉटस्पॉट क्षेत्र बढ़ नहीं रहे हैं। 14 हॉटस्पॉट क्षेत्र को हमने बंद भी किया है और जो हमारे लाइव केसेज हैं उसमें से 4 ऐसे हैं जहाँ 15 दिन से ऊपर हो गया है। जो हमारी स्ट्रैटेजी चल रही है इसको और ठीक से करेंगे, नया हॉटस्पॉट क्षेत्र बनने नहीं देना है और जो हॉटस्पॉट क्षेत्र उस पर काम करते रहना है। प्रशासन ने हॉटस्पॉट की नई सूची जारी की है। आगरा में हॉटस्पॉट की संख्या अब घटकर 42 हो गई है। पहले हॉटस्पॉट की संख्या 44 थी। नई सूची में झीलरा और हसनपुर का नाम नहीं है। दोनों जगह नए मरीज नहीं मिल रहे, इनका नाम हटा लिया गया है। लेकिन जिस गति से आगरा में कोरोना के संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है उससे आगरा के लोगों में भय व्याप्त है और वो इसका सीधा जिम्मेदार जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को बताते हैं, क्योंकि प्रशासनिक लापरवाही और अनदेखी के चलते ही इन आंकड़ों में ज्यादातर इजाफा हो रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से ब्रिजभूषण की रिपोर्ट।